सो दिस इज योर प्रोडक्ट, सी हाउ टू स्टार्ट एंड ऑपरेट द प्रोडक्ट। ये इसका एग्जॉस्ट दिया है यहाँ पे, ठीक है। ये चोक है, इसको प्यार से इसको पुल करना है आपको। ये इग्निशन है, वन, इसको फिर अंदर कर देना, ठीक है। ये बंद, ठीक है। ये फ्यूल टैंक है पेट्रोल का, यहाँ पे बैटरी है, यहाँ पे एक चोक है, ठीक है। अगर जनरेटर सेट 4-5 दिन से यूज़ में नहीं है तो इसको ऑफ ही रखना है, ठीक है। अभी ये ऑन में कर देता हूँ। अच्छा, जनरेटर सेट कभी चालू नहीं होना तो यहाँ पे देखो, इसका आउटलेट दिया है, पेट्रोल की एयर आपको यहाँ से निकालना है कभी अगर जनरेटर चालू नहीं हो। 30 सेकेंड्स तक आपको ऐसा पेट्रोल के बबल्स निकालना है, कोई भी बोतल में आप इसको भर सकते हो, ठीक है, वेस्ट नहीं हो। उसके बाद इसको बंद करना है, सेम पोजीशन पे फिर रख देना है, ठीक है, अगर कभी जनरेटर चालू नहीं हो। उसके बाद फिर चालू करना है, ठीक है। ये ऑयल कंपार्टमेंट है, ऑयल है इसके अंदर अभी, ठीक है। इसको कुछ करने का आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ये दूसरे तरीके से भी चालू होता है, रस्सी खींचो, पुल द चोक ऑन द इग्निशन एंड इसको अंदर कर दो, ठीक है। ये पूरा आपका जनरेटर सेट बहुत इजी टू यूज़ है, ठीक है। इसके अंदर आप लाइट्स, फैंस, 2 एयर कंडीशन आप इसके अंदर आप चला सकते हो, फ्रिज चला सकते हो, टीवी चला सकते हो, और 1.5 HP की आपका नॉर्मल जो ज़मीन पे मोटर रहती है वो आप चला सकते हो, ठीक है। कोई भी दिक्कत रहेगा, एनी इश्यू, यू नीड टू कॉल ऑन दिस नंबर, ओके, थैंक्स अ लॉट। ये यहाँ पे आपको आपके केबल जोड़ना है, ठीक है। जब करंट सप्लाई देना है तो ये इसको ऑन कर देना है, ठीक है, उसके बाद करंट सप्लाई देगा।